हेलो बच्चों, आप सबका टुडे एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर प्रेजेंट हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बेजल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक सिलेंड्रिकल बेजल है, आइए उसे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा सिलिंड्रिकल बेजल है, ठीक है, और इसका बेटा सरकमफेरेंस ऑफ बेस दिया गया हुआ है 132 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 132 सेंटीमीटर, ओके बेटा। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और बेटा इस बेजल की हमें हाइट दी गई है, इसे हम याद से रिप्रेजेंट करते हैं, 25 सेंटीमीटर है, ओके बेटा। और क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड? इस वेजल में कितने पानी रख सकते हैं, ठीक है, इसका मींस वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। आइए नोट डाउन करते हैं, हाइट ऑफ वेजल इज इक्वल टू बेटा क्या है, 25 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया गया, सरकमफेरेंस दिया गया है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ बेजल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें इसे कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बेजल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके बेटा। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आइए हम सरकमफेरेंस की सहायता से हम क्या करेंगे, आर फाइंड करते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, ओके। आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22 अपॉन 7, ये वैल्यू है पाई की, इंटू आर हमें फाइंड करना है 132, तो 22 टू जा 44 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 132, ओके बेटा। देखिए 44 अपॉन 7 का आर से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, R इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 44 अपॉन 7। सो नेक्स्ट स्टेप में R इज इक्वल टू 132, बेटा डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7 बाई 44 हो जाएगा, ओके बेटा। तो आइए इसे डिवाइड करते हैं, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 2 जा, ओके बेटा। अगेन 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा 12, सो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 7, तो आर इज इक्वल टू बेटा आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, ओके बेटा। अब हमें क्या कह रहा है, हमें इसकी क्या निकालनी है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो बेटा हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ वेजल इज इक्वल टू क्या होता है, फाई आर स्क्वायर एच। तो वेजल हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ वेजल का फार्मूला क्या लगेगा बेटा, सिलेंडर का फार्मूला आएगा, तो सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आइए बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या है, 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर है बेटा, तो आर की वैल्यू हमने फाइंड किया 21 है, 21 इंटू 21 आर स्क्वायर है बेटा, टू टाइम लिखा जाएगा, इंटू एच मीन्स 25, ओके। 21 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 21। आइए नेक्स्ट स्टेप में 22 इंटू 3 66 होगा बेटे, इंटू 21 इंटू 25, ओके बेटा। आइए हम 66 इंटू 21 एंड 25 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारा आएगा 525, ओके बेटा। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब 66 इंटू 525 का मल्टीप्लाई करें, तो आइए करके देखते हैं, 525 इंटू 66, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 3, 15 5 कैरी 1, 6 5 जा 30 131, अगेन 6 से करेंगे बेटा 0513, ऐड कर लेंगे 0551631 43, ओके बेटा। तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बेटा बेजल का वॉल्यूम आ गया 34,650। बस बेटा क्वेश्चन पूछा है कि हमारे इस बेजल में हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक
ठीक है। तो आइए हम सेंटीमीटर को चेंज करेंगे लीटर में। ओके, नाउ द वेसल कैन होल्ड वाटर इन लीटर। ओके बेटा, तो हमारा जो वॉल्यूम आया था उसको हम लीटर में चेंज करेंगे, 34,650। तो बेटा हमें वी नो दैट 1,000 cm³ बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। तो 1,000 cm³ बराबर 1 लीटर होता है, सो 1 cm³ बराबर 1/1,000 लीटर होगा। ओके बेटा, तो आइए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में 1/1,000 से बेटा डिवाइड कर देंगे। तो 1, 2, 3 डिजिट है बेटा, 3 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आएगा 34.65 liters। ओके बेटा, ये आपका आंसर हुआ कि हमारे वेसल में जो वाटर कैन होल्ड करेगा वो 34.65 liter वाटर होल्ड करेगा। ओके बेटा, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।